नमस्कार, मैं अर्जुन पाठक, आप देख रहे हैं टीएच न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं श्री कांति सिंह जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ के। आइए जानते हैं कि आज का जो समीक्षा बैठक हुआ उस पर क्या प्रतिक्रिया है। मैम, आज की जो समीक्षा बैठक हुई राष्ट्रीय जनता दल की रोहतास जिले का, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आने वाले आगामी चुनाव में क्या नीति है राष्ट्रीय जनता दल की? आज की समीक्षा बैठक में हम लोगों ने अपने बूथ लेवल तक अपनी समीक्षा किया कि हमारी संगठन किस तरह धारदार है कि नहीं, क्योंकि हमें जिस व्यक्ति से लड़ना है वो बहुत ही झूठा व्यक्ति लोग हैं। उनके कथनी और करनी में बहुत ही ज़मीन और आसमान का अंतर है। वैसे हालात में हमारा संगठन धारदार होनी चाहिए, मजबूती के साथ। सरकार की विफलता, खास तौर पर अभी आपको कोरोना काल आया, कोरोना काल में जिस तरह से हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ जो व्यवहार हुआ, उन लोगों को लाने का कार्य नहीं किया गया और बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपने किसी तरह से कि हम घर तक अपना पहुंच जाए, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में ट्रक आ रहा है, ट्रक पर चढ़े लोग बॉर्डर पार करके फिर मार करके लोग वापस कर देते थे। जितने जो प्रवासी हमारे बिहारी मजदूर हैं, मैं सबसे बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अगर हमारे प्रवासी मजदूर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, अगर कहीं नहीं काम करेंगे तो लोगों का ठप पड़ जाएगा, सब उद्योग धंधा ठप पड़ जाएगा। और यहाँ आने के बाद लाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे मैं बस देने के लिए तैयार हूँ, मैं ट्रेन देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कहाँ देना है मुझे बता दिया जाए। लेकिन इस सरकार ने ना अपनी व्यवस्था की, ना ही हमारे नेता का ही कोई व्यवस्था दिया। और जितने भी प्रवासी मजदूर आए जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, उस सब समझिए कि कोई व्यवस्था नहीं। तो एक एक जो दिहाड़ी मजदूर हमारे आए आज यहाँ पर, उनके पास बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या इस कदर हो गई है क्योंकि ना कोई इंडस्ट्री इन्होंने बैठाया, ना ही कोई रोज़गार पैदा किया। अब ये तो कहते हैं कि हमने इतना रोज़गार पैदा किया, कहाँ हुआ? कौन सा रोज़गार आपने दिया? गांव में, पंचायतों में कौन सा रोज़गार हमारे गरीब बंधुओं के हाथों में लगा? तो ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे प्रवासी मजदूर जो बिहार से बाहर गए थे, चूँकि बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं, कहते हैं 15 साल 15 साल। भाई 15 साल से आप सत्ता पर काबिज हो, सवाल आपसे करेंगे, आपने बिहार को क्या दिया? बिहार की शिक्षा की क्या नीति आपने बनाया? क्या हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया? क्या हमारे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम आपने किया या नहीं किया? सवाल आपसे होगा। आप 15 साल का भय दिखा रहे हो। आपकी हुकूमत में क्या हो रही है? 55 घोटाले हुए हैं, बालिका गृह कांड, आप मुजफ्फरपुर की घटना को कोई आदमी कोई भुला नहीं सकता है। वो अनाथ नाबालिग बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं, उसको कोई बिहार की जनता कभी माफ़ करने वाली नहीं है। सृजन घोटाला हुआ, इतने बड़े बड़ा सृजन घोटाला हुआ जो कि सुशील मोदी की बहन के खाते में एनजीओ है, एनजीओ के खाते में सरकारी पैसा कैसे डायरेक्ट चला गया, उसकी अभी तक जाँच नहीं हो रही है। ये तो अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों ने भाजपा का, जो कि हम मर जाएंगे लेकिन हम भाजपा का साथ नहीं छोड़, बाद भाजपा में नहीं मिलेंगे, सारी इनकी कथनी और करनी में। जो व्यक्ति ने आपके एनडीए पर सवाल उठाया, आप उसी की गोद में जा करके बैठे हो, क्योंकि आपने भी घोटाला बहुत बड़ा किया। तो भाजपा तो ऐसी है कि उसके गंगा में कोई वॉशिंग मशीन में कोई चला जाएगा तो वो तो साफ हो जाएगा। मैडम, राष्ट्रीय जनता दल में अभी भारी फेरबदल हुआ है, इसमें लेकर के आपको क्या कहना है? और अभी हमारे जो सासाराम से जो राजद के प्रत्याशी अशोक विधायक थे, वो भी अभी जदयू में जा चुके हैं। आपको मैं बता दूं, किसी के जाने से आने से कोई हमारे हमारे संगठन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं, एक भी संगठन का आदमी हमारा यहाँ से नहीं गया। लोग उससे खुश हुए कि भाई चलो वो तो गया, लेकिन हमारा संगठन जो मजबूत था सो मजबूते रह गया। अब भारी फेरबदल ये तो इलेक्शन के आवर में होता ही रहता है। अब उन्होंने जो दलित नेता है श्याम रजक को नहीं बचा पाए, वो श्याम रजक आकर के आज उनकी बखिया उधेड़ रहे हैं कि सरकार ने 15 साल में क्या किया, 15 साल में क्या किया। तो आप एक दलित नेता को भी आपने संभाल के नहीं रखा, आप तो एक बहुत बड़ा सा आपके पास सवाल उठ रहा है कि आपने कौन सा विकास का काम किया।
मैम सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाखों मजदूर अलग अलग राज्यों से बिहार में आए हैं, प्रवासी मजदूर, एक उनकी रोजगार और दूसरी तरफ सरकार की चुनाव की रैलियां और तैयारी चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगी? उनके लिए चुनाव जरूरी है या उनका रोजगार जरूरी है? देखिए, हमारी सोच से, हमारी पार्टी की सोच से, हमारे तेजस्वी और लालू प्रसाद जी की सोच से अभी चुनाव नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी बाहर से जो व्यक्ति आया हुआ, कोरोना संक्रमण रात दिन बढ़ते ही चला जा रहा है, उसमें कमियां नहीं आ रही है। आए दिनों आप देखिएगा कि कितने संख्या में लोग हमारे संक्रमित हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग तो भाई अपना इलाज कर लेते हैं, जो छोटे लोग हैं जो मर रहे हैं उनका कहाँ आंकड़ा है? जिला में आंकड़ा है उनका क्या? उनकी जांच का क्या आंकड़ा हो रहा है? उनके रोजगार के लिए मैंने इसे कहा कि इनको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा सत्ता, कि हम सत्ता पर कैसे काबिज हों। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि गरीब मजदूर जितने लोग आए हैं, संक्रमण से जो लोग जूझ रहे हैं, इसकी हम पहले दवाई करें, उसकी व्यवस्था करें, मंदिर का निर्माण ना करावें, हम बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करावें। आज ज़रूरत था क्या था आपको? गांधी मैदान जैसा जगह पर आप सिखों का जो हमारा ये हुआ था, गुरु गोविंद जी का मनाया गया था, आपको 300 जो जयंती मनाई गई थी, आपने सिटी थी बनाया था, कैंप जो लगाया था आपने, उस तरह क्या हमारे गरीब मजदूरों के लिए नहीं व्यवस्था हो सकती थी? क्या गांधी मैदान खाली नहीं था? बड़े बड़े जितने जगह पर आपने जो भी बनवाने का काम किया, आपने हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था किया? कितने आपने एम्स बनवाए बिहार में? कितना एम्स बनवाया नीतीश जी ने? नीतीश जी की सत्ता यहाँ भी है, वहाँ भी है। 15 साल का भय दिखाते हो आप। 15 साल ने क्या किया लोगों को? आपने क्या चीज़ दिया? कौन सा सौगात दिया? सवाल तो आपसे पूछेंगे ना मैम। कोरोना से ज्यादा भयावह स्थिति आज हमारे बिहार में बाढ़ की वजह से हुई। पूरी उत्तरी बिहार आज बाढ़ से त्रस्त है, लोग वहाँ मर रहे हैं, कोरोना से ज्यादा परेशान लोग बाढ़ से हैं, और सरकार 15 साल से जो सरकार चल रही है यहाँ पर, कोई अभी तक बांध नहीं बना। बांध बना तो वो भी चूहा कुतर गया, चूहा ने भीतर बिल कर दिया, वो भी बांध खत्म हो गया। और अभी वाकई में इतना ज़्यादा उधर बाढ़ आया, तेजस्वी जी तो गांव-गांव का भ्रमण किया उन्होंने, और नीतीश जी को तो कहा भाई, बहुत दिन से कह रहे हैं कि भाई आपकी जनता है, आपको उनकी चिंता करनी है, उनके बाढ़ में किस तरह से फंसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, खाने का अभाव है, मवेशियाँ बेचारे बह के चले जा रहे हैं, उनका खाने का भी, उनके मवेशियों के लिए भी दिक्कत हो रही है। इतनी त्रासदी है बिहार की कि 15 साल की सत्ता में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैडम, राष्ट्रीय जनता दल में जो अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ नए चेहरे भी आने वाले हैं? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व हमारी तय करेगी कि किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना है, क्योंकि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हम संगठन की बात करते हैं, और पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय करेगी, हमारे संगठन के लोग, सब लोग उनका स्वागत करेंगे, पहले भी करते थे। आज जरूरी है सत्ता का परिवर्तन, नीतीश के हाथों से गद्दी छीनना, और इसे कोरोना बाढ़ की जो स्थिति आई है, ये नीतीश का जो शक्ल सूरत जो है ना, बहुत ही धूमिल पड़ गया है। ये सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, बिहार सरकार के द्वारा जो नया शिक्षा नीति जारी किया गया है। अच्छा, नियोजित शिक्षकों का नाम चेंज कर दिया, लेकिन उनका जो शिक्षकों का जो डिमांड था, जो भी हमारे वित्त रहित शिक्षकों हैं, काफी सालों से वो भुखमरी के कगार पे है, जिनके घर में दिन प्रतिदिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौत होती जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो शिक्षकों के पक्ष में खड़ी, शिक्षकों का जो डिमांड है, जो हाईकोर्ट ने भी पास किया था कि समान कार्य के समान पैसे देने की बात, तो नीति तो वही होनी चाहिए ना। हम काम कर रहे हैं तो हमको उस तरह का हमारा पैमाना भी तो हासिल होना चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ से हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के फिर हमारे शिक्षकों की जो मांग थी उसको निरस्त कर दिया गया। तो सरकार नहीं चाहती है कि हम शिक्षकों को सही रास्ते पर उनको रोजगार बढ़िया से दे सकें। अभी तो नई नई घोषणाएं हो रही है, शिक्षकों की बहालियां होंगी, इतना लोगों का यहाँ बहाली होगा,
ऐसे होगा वैसे होगा, चुनाव आया तो आज आपके यहाँ बहालियाँ शुरू हो गई, आपके यहाँ वैकेंसी नज़र आ गई, इसके पहले कहाँ था आपके यहाँ वैकेंसी। लेकिन बहुत बड़ी विडम्बना है, आज हर कोई जैसे कि सुशासन जिसको कहिएगा, सुशासन नहीं है, रोज़ हत्याएं हो रही हैं। रोज़ आंकड़ा अगर आप उठा के देखिएगा तो आंकड़ा में हमारी सरकार को जंगल राज कहा जाता था, एक बार जंगल राज कह दिया, यहाँ हाईकोर्ट ने कितना बार कह दिया जंगल राज है, आज इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जंगल राज है कि क्या है। बहन बेटियों के साथ अभी भी बलात्कार हो रही है, कोरोना पीरियड में भी बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है, नाबालिगों के साथ हो रही है। मैम हमारी चैनल शराबबंदी की बात इन्होंने कही। मैम हमारी चैनल के माध्यम से आप बिहार के जनता को क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगी बिहार की जनता को कि जो आपने सहा है, जो आपने आपके साथ जो घटना घटी है, जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, रोजगार के लिए त्राही माम कर रहे हैं, तो आप ये से नीतीश सरकार जो सुशासन कहती है, इस सरकार को, भ्रष्टाचारी की सरकार को, इसको उखाड़ कर फेंकने का बात करें। चूँकि हमारी पार्टी ने एक मास्टर प्लान बनाया है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम लोगों की बेरोज़गारी को दूर करेंगे, उसके लिए पूरा हमारा आंकड़ा तैयार है कि हम किस तरह से बेरोज़गारी को दूर करेंगे। हम डोमेसाइल एक्ट को लाने का काम करेंगे, हमारे बिहार के लोगों को जैसे बाहर में जाते हैं तो डोमेसाइल कह कह करके उनको वहाँ से पलायन के भगाया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो हम इस नीति को भी लाएंगे कि पहले हमारे बिहार के बच्चों को रोज़गार मिले, तभी हम बाहर के लोगों के बारे में सोचेंगे। मैम तेजस्वी जी ने कई बार चैनलों के, अलग चैनलों के माध्यम से ब्लूप्रिंट के बारे में जिक्र किया है, क्या है ये ब्लूप्रिंट, क्या इस पर काम करेंगे सरकार? ब्लूप्रिंट हम लोगों ने भी तैयार किया है कि सर हम लोगों का आएगी सरकार तो हम किन किन मुद्दों पर कार्य करेंगे। आज जो स्थिति है PMCH की, जहाँ पे पानी घुस रहा है बाढ़ की, क्या कहेंगी आप? डॉक्टर जा रहे हैं ठेले पर, डॉक्टर ठेला पर जा रहा है लोग, इतना पानी भरा हुआ है, यहाँ तक कि आपको हाईकोर्ट के अंदर भी पानी चला गया था, मतलब कहाँ पानी नहीं गया, हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में भी पूरी पानी। तो बाढ़ के इन्होंने कभी ये कोई मास्टर प्लान बनाया ही नहीं। मैं मोहनपुर पुनाईचक में रहती हूँ, समझे ना, अभी बारिश हुई थी, हम समझते हैं एक महीना पहले की बारिश हुई थी, पूरा लबालब घुटने तक पानी आई, तो उस समय में तेजस्वी जी उस इलाके का पूरा राजवंशी नगर पर पटेल नगर और हम लोगों का इलाका पूरा सब लोग उसमें भरे हुए थे। इसलिए मैं कहूँगी कि ये सरकार जो सरकार नहीं बल्कि अपना शासक बन रहा है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं बल्कि अपना राजतंत्र अपना रहे हैं, इसलिए इसको तो इस बार जाना ही जाना है। जी धन्यवाद, और धन्यवाद।